प्रदेश भर में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वहीं कल शुक्रवार को मुरैना में अब एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। इस पॉजिटिव मरीज के मिलने से मुरैना में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 14 हो गई है। आपको बता दें कि ये पॉजिटिव मरीज दुबई से लौटे दंपत्ति के बड़े भाई का बेटा है, जिसकी पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन दूसरे टेस्ट में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कलेक्टर प्रियंका दास जी ने कल शुक्रवार को हेल्थ बुलेटिन आने के बाद जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार को एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। 42 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से एक पॉजिटिव और 41 नेगेटिव मिले हैं। साथ ही उन्होंने जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई उन्हें अलर्ट करते हुए कहा कि सभी पूरी सावधानी बरतें। अभी आप स्वस्थ नहीं हैं, जो मामला सामने आया है उसमें मरीज की दूसरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ऐसे में सभी लोग निर्देशों का पालन करें। इसका अपडेट ये है कि 42 सैंपल्स आज हमें DRDO लैब से मिला है, 41 नेगेटिव है, एक सैंपल पॉजिटिव आया है, जिससे जिले की संख्या जो है 14 हो रही है। लेकिन नया कोई एपिसेंटर नहीं है। ये जो 14वां पेशेंट है ये सुरेश बरेठा के ही परिवार और लिंक में से है, उनके भाई का बेटा है, 16-17 साल का है संभवतः, उसका इलाज जो है शुरू किया जा रहा है। और पुनः जो है उसके जो परिवार वाले हैं इमीडिएट, उनका यद्यपि सैंपल हो गया है लेकिन एहतियात के स्वरूप उनका दोबारा सैंपल लिया जाएगा, ताकि ये चेक करने के लिए कि उनमें दोबारा संक्रमण तो नहीं फैला है, और उनके माध्यम से क्योंकि अन्य लोगों पे रिस्क इम्पोज हो सकता है।